जय हिंद दोस्तों, बिहार नमन जीएस परिवार में मैं विवेक रंजन आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने हमारे होते हैं, उन सबके जनरल साइंस पोर्शन की बातें करेंगे और हम देखेंगे कि इनका क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है और किस तरीके से इनको हम टॉपिक वाइज हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे एक लिस्ट बना सकते हैं टॉपिक्स की। तो इसमें आप जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं या जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सबके लिए आपका साइंस वाला पोर्शन जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप तैयारी जो है आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है, तो आप तैयारी इससे आसानी से अपने साइंस पोर्शन की कर सकते हो। अगर आप अपना श्योर शॉट चाहते हैं कट ऑफ क्लियर करना, तो आपको इस पोर्शन को लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में जो है हम बिहार से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के हिसाब से हम बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, इन सब एग्जाम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और इन पे बेस्ड जो भी हमारा एक प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, उसको हम लॉन्च करेंगे। तो हम देखेंगे कि इनका क्या सिलेबस है, किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आते हैं हर साल पेपर में और उनको हम कैसे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल है, तो आप इसको है ना लास्ट तक देखें और आप अपने आप में एक तरीके से आंक लें अपने आप को कि आपके कितने टॉपिक्स जो है ये कवर हो गए हैं और कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, हम अपने टॉपिक से, अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ चर्चा करते हैं, बीपीएससी सीडीपीओ से रिलेटेड कुछ बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वेटेज हमारा आने वाला है उसके अंदर। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उसमें से कैसे हम उसकी तैयारी करें, कम समय है चूंकि, तो रणनीति कैसे बनाई जाए कि कम समय में उसकी तैयारी हो सके, और कौन से क्वेश्चंस हैं जो अधिक से अधिक जरूरी है पेपर के लिए पहले पढ़ा जाए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, तो ये सारी बातें हम चर्चा करने वाले हैं। तो रणनीति जो है ये हमारी तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से आपको दी जाएगी, आपको तैयारी करनी है और आपको अपना सपोर्ट बनाए रखना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा रोल होता है इन सारे एग्जाम्स में साइंस पोर्शन का। तो ये सामान्य विज्ञान इसके लिए लिखा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके आसपास की जो चीजें हैं, जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही है, उसके बारे में आपकी सूझबूझ या समझ विकसित हो, ऐसा ही लिखा गया है। अगर आप अपने सिलेबस को, पाठ्यक्रम को अच्छे से देखें तो उसमें लिखा गया है कि जो आम जीवन है, साधारण जीवन, इसकी सूझबूझ होनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आपसे इंटीग्रेशन या फिर ऐसा कुछ है ना डिटेल में जाके पूछा जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें रुचि अगर थोड़ी सी आप दिखाते हैं तो आप कंपटीशन में बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इन सारे एग्जाम में लगभग अच्छा वेटेज है साइंस का, चाहे हम बीपीएससी की बात करें, बिहार एसआई की बात करें, तो इन सारे एग्जाम्स में साइंस का रोल है। और अगर हम बात करें स्पेशली बीपीएससी की, तो इसमें हमारे 28 से 30 क्वेश्चन जो है ये साइंस पोर्शन से आते हैं। ऑन एन एवरेज 28 क्वेश्चन रख लीजिए आप या 30 क्वेश्चन रख लीजिए, तो अगर हम एवरेजिंग करके देखें, इसका परसेंटेज निकाल के देखें, एवरेजिंग इसको 30 ले लिया हमने और इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया, दिस कम्स आउट टू बी 20%, विच इज अ लॉट। तो 20% जो है ये काफी मायने रखता है। अगर आप सिलेक्शन और इसके साथ साथ अच्छे रैंक चाहते हैं तो इसके लिए मैटर करेगा, और आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं इस एग्जाम को, तो ये सेक्शन जो है इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और देखते हैं कैसे इसमें अलग अलग जो साइंस के ब्रांचेज है हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का वेटेज किस तरीके से है, और मैं आपको बताऊंगा कि इस 28 से 30 क्वेश्चंस को कम समय में किस तरीके से टैकल किया जाए ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें सही किया जा सके और वो भी कम से कम समय में। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो गाइस है बायोलॉजी का सिलेबस। तो बायोलॉजी जहां तक बात करें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बायोलॉजी, ऐसे भी हर एग्जाम में अगर आप देख लीजिए तो बायोलॉजी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे आम जीवन से अधिक जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बायोलॉजी की कुछ समझ तो बच्चों में ऐसे भी होती ही है और कुछ समझ जो है ये आपको विकसित करनी है अपनी, कुछ सीखना है, कुछ नई चीजें सीखनी है, और एग्जैक्टली आपको बिल्कुल गाइड किया जाएगा, बिल्कुल प्रोसेस से चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया जाएगा कि क्या चीजें पहले करनी है, किन चीजों पे कितना समय देना है। तो आप बस ये है कि आप ध्यान से देखें वीडियो को और आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, आप इस तरीके से आप तैयारी करें कि आप कम दिन में आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बायोलॉजी को आपको जैसा कि पता होगा इसको दो अलग अलग ब्रांचेस में भी डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी एक, बोटनी और एक जूलॉजी। तो इन दोनों में बहुत डेप्थ में हमें नहीं जाना होगा, इसको अगर हम बोले हिंदी में अगर बात करें तो मैं हिंदी में
लिख दूंगा, समझा दूंगा सब चीजों को, लेकिन जो फोकस है वो इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी पे रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो परीक्षा में हिंदी के टर्मिनोलॉजी जो शब्दार्थ है वो बदल जाते हैं, पर इंग्लिश में जो है वो चीजें सेम रहती है। तो अगर साइंस के फील्ड की बात करें, आप बाकी सब विषयों में आप कौन सा माध्यम चयन करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन साइंस में अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो इंग्लिश में होती है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि टर्म्स आप रिलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में सबसे बड़ी चीज है कि आप टर्म्स को रिलेट कर पाओगे इंग्लिश से, और आप ऑप्शन देख के पता कर पाओगे कुछ क्वेश्चंस में कि इसका आंसर क्या है, ये चीज हिंदी में नहीं मिलेगी। इसलिए आप फोकस रखना कि हाँ इंग्लिश में हम टर्मिनोलॉजी कम से कम याद रखें, माध्यम आपका हिंदी है अच्छी बात है, लेकिन इनकेस कोई क्वेश्चन मिस हो रहा हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो हम देखते हैं, मैं आपको बता दूं इसको हिंदी में बॉटनी को हम क्या बोलेंगे, पादप विज्ञान, और जूलॉजी को क्या बोलेंगे, प्राणी विज्ञान, यानी कि जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम पौधों के बारे में, पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी से हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आप देख सकते हो। केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा पूछा जा रहा है बायो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा जीव विज्ञान का जो सेक्शन है ये थोड़ा महत्वपूर्ण होगा एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज, तो केमिस्ट्री से हमारे 5 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम बायोलॉजी के बाद जो डिस्कस कर रहे होंगे, यानी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से हम रसायन विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके कम से कम समय में, और उसके बाद हम फिजिक्स को भी देख लेंगे, फिजिक्स से भी क्वेश्चन रहते हैं कुछ, जैसे आपने देखा होगा कई बार यूनिट के क्वेश्चन, मात्रा के क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। अब बायोलॉजी में हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं ये हमें डिस्कस करने हैं, जीव विज्ञान के अंदर क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो हमें बिल्कुल मस्ट है, जो हमें पेपर में करके ही जाना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ लिस्ट कर रखा है मैंने आपके लिए, आप हिंदी में चाहो तो आप नोट करते रहना, आसानी होगी, क्योंकि टॉपिक एक जगह लिखा होता है तो बहुत हमें एक तरीके से बोलो कि कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ हमने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए, क्या किया, तो एक तरीके से आपकी एक प्लानिंग तैयार होती रहेगी, इसलिए इसको आप हिंदी में भी नोट कर लेना। पहला इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हिंदी में बोले तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ये किस तरीके से हुई, कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो थे, इनऑर्गेनिक यानी कि अजैविक, अजैविक यानी मृत, जो मृत चीजें हैं उससे जैविक चीजें आखिर बनी कैसे, पृथ्वी पर सबसे पहली बार जीवन की उत्पत्ति शुरुआत कैसे हुई। तो देख रहे हो ये इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो इससे बेहतर और इससे अच्छी कहानी मेरे ख्याल से आपको कहीं नहीं मिल सकती कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थी, कौन सी ऐसी अजैविक चीजें थी जो पृथ्वी के वातावरण में उस समय मौजूद थी जब यहाँ पृथ्वी पर जीवन नहीं था। इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जब जीवन नहीं था तब कौन से गैसेस थे, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ऐसे कई सारे गैसेस हैं, अमोनिया है, मीथेन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन बाद में बनाया गया, पढ़ेंगे हम इसकी कहानी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले लिखा ताकि आपका जो है इंटरेस्ट बने, थोड़ी रुचि बने और कुछ क्वेश्चंस भी हो जाए। जो सेकंड टॉपिक होगा ये क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं इसको, वर्गीकरण, वर्गीकरण करेंगे, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को, जीवों को बांटते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड रहा हो साइंस से या बायोलॉजी से तो शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे, और नहीं तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 जगत वर्गीकरण, तो उसमें सभी जीव जंतुओं को, जितने भी पादप और जंतु हैं सबको 5 जगतों में यानी कि 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। एंड नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर की बात करें तो नामकरण, जैसा कि आप देखते हो कि हर जीव का वो नाम यूनिवर्सल नहीं होता जिस नाम से हम उसे बुलाते हैं, जैसे इंसान को है ना, हम यहाँ अगर हमारी बात करें इंडिया में तो हम क्या बोलते हैं, व्यक्ति बोलते हैं, ह्यूमन बोलते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करें, साइंस के टर्म्स की बात करें, तो इंसान का नाम होता है होमो सेपियंस। तो हर जीव का एक ऐसा नाम देना आवश्यक है कि उसको वैश्विक स्तर पर पहचाना जा सके, ताकि दूसरी दूसरी भाषाओं के लोग भी जब आपस में बात करें तो समझा जा सके कि वो क्या कह रहा है, इसलिए इसमें हम नामांकन करेंगे, ये यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोमेनक्लेचर से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंगो का नाम है ना, तो मैंगो का नाम साइंटिफिक नेम क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, मैग्निफेरा इंडिका, तो पढ़ेंगे हम इन सब के बारे में, एक लिस्ट तैयार करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे नाम है जो इंपॉर्टेंट है। अब हजारों नाम है सबको याद करने की जरूरत नहीं है, अब आप यही है कि आपको अगर प्रॉपर तरीके से
तैयारी करनी है तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है और कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, और उस चीज के लिए भी हम यहाँ मौजूद हैं। तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि क्या तरीका होना चाहिए और किस तरीके से आपको कौन सा टॉपिक करना है, किस पे ज्यादा फोकस रखना है, किसको कितना समय देना है, ये सारी बातें। नेक्स्ट बात करें सेल एंड सेल डिविजन, ये सबने पढ़ा भी होगा, गारंटी है इस बात की। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना जरूरी है कि हर इंसान, हर बच्चा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा हो, वो इसको कभी ना कभी खुद से या कहीं संस्थान में पढ़ते ही। तो सेल को हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं, सबको पता है, कोशिका कहते हैं इसको। ये हमारी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, मतलब हमारे शरीर की जो संरचना है ये इसी से बनी है। और क्रियात्मक इकाई कहने का अर्थ यह है कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे वो श्वसन हो, पोषण हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, अन्य अन्य क्रियाएं जो भी होती है, ये सब कोशिका में ही संभव होती है, संपादित होती है। और सेल डिविजन, सेल डिविजन क्या है, सेल डिविजन यानी कोशिका का विभाजन, यहीं से तो जीवन की उत्पत्ति होती है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दूसरी कोशिका बनता है तो यहीं से शुरू होती है कि सेल डिविजन किस तरीके से हो रहा है ना, कि यहाँ पे दो तरीके के डिविजन होते हैं जिसको हम समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से होता है। यहाँ पे सेल थ्योरी काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट हमारे पास आएगा, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी हिंदी में कहे तो कोशिका सिद्धांत, ये चिल्डन और स्वान, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाई सेल डिविजन और सेल थ्योरी किसने दिया है। ऐसा ऑप्शन आपको अलग अलग दे दिए जाएंगे, सेल की डिस्कवरी किसने करी, केंद्रक क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे विभिन्न क्वेश्चन को हम, प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। अगला हम अगर टॉपिक की बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा यह होगा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जीवाणु, जीवाणु जीव जिस अणु से बने होते हैं। भाई हम भी तो किसी अणु से बने हैं, हम भी प्रोटीन से बने हैं, विटामिन से बने हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने हैं, इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज से क्वेश्चन पूछा जाता है, माल्टोज से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीनो अम्ल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमारा इस टॉपिक में कवर हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पोषक तत्व, पोषक तत्व में कौन से पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। मानव पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी हिसाब से मानव से ज्यादा आते हैं, इसलिए हम मानव शरीर के लिए आवश्यक जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, जैसे कि वसा है, जैसे खनिज लवण है, तो खनिज लवण में भी हमारे शरीर के लिए आयरन जरूरी होता है, मैग्नीशियम जरूरी होता है, आयोडीन भी आवश्यक होता है। आयोडीन आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन जो है ये गॉइटर एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन के बनने में आयोडीन काफी आवश्यक होता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो घेघा रोग हो सकता है, जिसको हम, है ना, गॉइटर सॉरी हार्मोन जो होता है वो थायरोक्सिन होता है, है ना, और जो डिजीज का नाम होता है ये गॉइटर होता है, थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है, इस हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और ये आयोडीन हम बाहर से एक खनिज की तरह लेते हैं, इसलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और कैसे जरूरी हैं हमारे लिए। अगली बात हम करें टिश्यूज, ऊतक, जब कोशिकाओं को मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। तो ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि ऊतक के एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के क्या क्या क्लासिफिकेशन है और सब क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट वन इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिशिएंसी डिजीज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको आप बिल्कुल कमांड करके जाना है इस एग्जाम में, तो सोच ही लो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। यही जो मैं आपको अभी बता रहा था, जैसे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गॉइटर घेघा रोग होता है, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन एक हार्मोन है, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज होती है, तो ऐसे डेफिशिएंसी डिजीज। इसके अलावा आयरन की कमी से क्या होता है ना, तो अलग अलग डेफिशिएंसी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ये देखा होगा आपने, है ना, ये फ्रीक्वेंट है ऐसे क्वेश्चंस, कई बार परीक्षा में आपके सामने आते हैं, और जरा सा अगर आप ध्यान दे देंगे बिल्कुल ट्रिक से याद कराया जाएगा, बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप बस स्टे ट्यून्ड एंड फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर दैट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। नेक्स्ट हम बात करें सेवन, डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, यानी कि सूक्ष्म जीव जनित बीमारियां कौन सी होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही टॉपिक बीमारियों से रिलेटेड काफी जरूरी है आपके लिए, जैसे एड्स, अब एड्स की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, एड्स कौन से सूक्ष्म जीव से होता है, वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आपसे पूछा जाएगा। ट्यूबरक्यूलोसिस कौन से
माइक्रोब से होता है, कौन से सूक्ष्म जीव से होता है, हाथी पांव एलिफेंटियासिस जिसको कहते हैं वो किससे होता है, तो ऐसे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं और आप इजिली इसको टैकल कर सकते हो अगर थोड़ा सा आपको बस समय देना है यहाँ पे और चीजों को बिल्कुल जैसे आपको कराया जा रहा है इसी तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। पोषण यानी कि भोजन को अंतर ग्रहण करने की विधि, फूड के इनटेक का मेथड और उसके यूटिलाइजेशन यानी उसका उपयोग कैसे हो रहा है, इस तरीके को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो पोषण, अब पोषण में भी आपने पढ़ा होगा, बचपन की बात है, ये बिल्कुल सबको याद होगा, स्वपोषी और विषम पोषी, तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ये होता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट क्यों बनाते हैं, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यही है कि आपको थोड़ा सा समय अपने तैयारी में से निकाल के इसको देना है और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि देखिए इसके अलावा जो सेक्शन है बाकी सारे उन सेक्शन में आपको क्या है कि वो हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, हर बच्चा पढ़ के जा रहा है तो उसमें कंपटीशन नहीं है, उसमें वो तो बेसिक सी चीज है, वो हर इंसान करके जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो मुश्किल नहीं है या उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जटिलता नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी हर परीक्षार्थी करके गया है, लेकिन ये जिसको तैयार जिसका रहेगा वो कंपटीशन में काफी आगे निकल सकता है, वो अपना सिलेक्शन श्योर कर सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है और ये जो आपका पोर्शन है जनरल साइंस वाला ये आपको अच्छे से कवर करना है और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल अच्छे से होगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन क्या होता है? श्वसन में हम श्वास लेते हैं, है ना, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी श्वसन में होता है, श्वसन जो है इसी में हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि जो आपने भोजन ग्रहण किया, जो आपने खाना लिया, इससे आपको जब ऊर्जा लेनी हो तो उसके लिए हम भोजन का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है। तो बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो आप यहाँ पे सीखेंगे जो आपको पता नहीं है, तो इंटरेस्टिंग बिल्कुल आप बना सकते हैं इसको, है ना, बस थोड़ा सा आप शुरुआत में ध्यान रखेंगे और आप थोड़ा अटेंटिव रहेंगे तो बिल्कुल आपका इंटरेस्ट बनेगा। अगला हम बात करें ब्लड। आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड। ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं, कौन कौन से तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी के काम क्या होते हैं, हार्ट कितने चैम्बर का होता है, इंसानों में कितने चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ में कितने होते हैं, तो पक्षियों में कितने होते हैं, ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड में हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि भाई ओ प्लस कौन सा डोनर कैसा होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, ये चीजें हर पेपर में देखने को मिलती है आपको कहीं ना कहीं, तो ये यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। इससे अगला हम बात करें सर्कुलेशन कैसे होता है। जैसे मानव में धमनियां और शिरे होते हैं, इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स जो है इनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, कौन कौन सी आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी होती है, तो सबका अलग अलग काम होता है ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी कि शरीर से जो मल पदार्थ है उनको बाहर निकालना, तो उत्सर्जन में हम इसमें हालांकि बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी कुछ चीजें जरूरी है, जैसे पौधों में उत्सर्जन काफी आवश्यक है, उसमें से जैसे हमें रेसिन मिलता है, रबर मिलता है, बहुत सारे तरह की उपयोगी पदार्थ वहां से मिलते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट में एक्सक्रीशन में रिलेट करके क्वेश्चन। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण तथा समन्वयन, तो आपके शरीर का जो नियंत्रण है कैसे होता है, तो आप कहेंगे ब्रेन से होता है, नर्वस सिस्टम से होता है ना, जिसको हम तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये चीजें मिलकर हमें कंट्रोल करती है, लेकिन कुछ कंट्रोल इसके बियॉन्ड भी होता है, जैसे आपकी बॉडी में जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है, ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, ये अगर ऐसा होता तो हम चाहते और हमारे बॉडी में ग्रोथ हो जाती, पर ऐसा नहीं होता, ये एक काफी धीमी प्रक्रिया है, ये काफी स्लो प्रोसेस है जो हार्मोन से होती है। अभी हार्मोन नाम तो सबने सुना होगा, ये तो पक्की बात है, हार्मोन जो है ये कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है शरीर में, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, है ना, जैसे हमारी बॉडी का की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लिवर, आंसर है, देखो कॉमन सा क्वेश्चन है, पर जिसको वही बात है जिसको जरा से भी नॉलेज नहीं रहेगी वो बच्चा फिर नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको थोड़ा जो है इसमें डेप्थ में जाना है और इंटरेस्ट बना के रखना है ताकि आप क्वेश्चंस टैकल कर पाओ। आप जब इतनी मेहनत आपने परीक्षा के लिए करी है तो आप इस सब्जेक्ट पे भी कुछ समय कुछ ध्यान जरूर देंगे ताकि आपका जो है सिलेक्शन ही और सुनिश्चित हो जाए, ठीक है।
तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अपने तंत्रिका तंत्र यानी कि अपने नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे वहां पे। फिर है रिप्रोडक्शन, प्रजनन किस तरीके से होता है ना, लैंगिक अलैंगिक, अमीबा में कैसे होता है, तो हाइड्रा में कैसे होता है, प्लेनेरिया में कैसे होता है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम रिप्रोडक्शन में। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कह दो आप इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपकी रुचि इतनी आएगी इसमें कि आप इस टॉपिक को छोड़ोगे नहीं, इतना बढ़िया है ये टॉपिक। और ये पूछा जाता है कॉमन सा क्वेश्चन कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल, ये हमारा आंसर है। लेकिन तभी कर पाओगे आप जब आप सब्जेक्ट मैटर को जानोगे, नॉलेज रहेगी तभी आप कर पाओगे। तो इसलिए ये हम इसको देखेंगे, इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स, कैसे ग्रेगर मेंडल ने क्या क्या नियम दिए थे, आनुवंशिकता किस तरह से होती है, अगर पुरुष और स्त्री ये इन एक जैसे मेल और फीमेल इनकी में रिप्रोडक्शन हो तो जो बच्चा है उसका जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है उसके मेल होने के कितने चांसेस है, फीमेल होने के कितने चांसेस है ना, इज़न्ट दिस इंटरेस्टिंग। तो ये काफी मतलब आप रोचक है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो काफी बढ़िया जानकारी है ये, और आपको पसंद भी आएगी। इसके अलावा पेपर में आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे, तो बोरियत की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है और बहुत डेप्थ में भी हमें नहीं जाना, बस वहां तक जाना है जहां तक आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट जहां तक कायम रहे। एंड द लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर्स। कई बार हमसे बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा सिस्टेमा नेचुरे, हू रोट दिस बुक, दिस इज द नेम ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने लिखा, इसका आंसर कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, तो कैरोलस लिनियस ने ये किताब लिखी थी। अब ऐसे कई सारे और किताब हैं जो अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने लिखी, जो थियोफ्रेस्टस ने लिखी, जो श्लीडन च्वान, रॉबर्ट विरचाओ, बहुत सारे लोगों ने लिखी किताबें, और वो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची पढ़ेंगे और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जो ब्रांचेज होते हैं, जो शाखा होती है अलग अलग साइंस की, उसको उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। जैसे रक्त के अध्ययन को हम कहते हैं रक्त विज्ञान, या इंग्लिश में बोले तो हेमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे बोन्स, हड्डी के हम अध्ययन को कहते हैं अस्थि विज्ञान या फिर ओस्टोलॉजी। तो ऐसे कुछ टर्म्स भी आपसे पूछा जाएगा, ग्रास के स्टडी को क्या बोलते हैं, स्नेक की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऐसे तरह तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये हमारा बायोलॉजी का एक फ्रेमवर्क है कि हम किस तरीके से इसको तैयारी करने वाले हैं, और इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, जैसे मैंने स्टार मार्क कर दिया, मैं कुछ और टॉपिक्स पे कर दूं स्टार मार्क, ताकि आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान में रख के चल पाओ। और यहाँ हॉर्मोन्स वाला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट, ये बुक्स वाले टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स है इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स से क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास, और अगर हम बात करें सेल बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम प्रायोरिटी जिन्हें देंगे इन्हें पहले करेंगे। अच्छा, एक बात और हम समझ लें कि ये वीडियो जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए यूजफुल नहीं है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बल्कि जो रिविजन करना चाहते हैं एग्जाम का टाइम, जैसा कि आपको पता आ रहा है, तो जो ब्रशअप करना चाहते हैं अपनी तैयारी को, वो भी बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। चूंकि इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में अगर, तो फिर दिक्कत है, फिर आप सो ही जाओगे, है ना, फिर आप बोरियत फील करोगे, तो फिर ऐसे परेशानी होगी। इसलिए आप अगर ये पूरी सीरीज ज्वाइन करते हैं और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो आपको एक रणनीति के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा, और आपको अच्छी से अच्छी चीजें देने की कोशिश की जाएगी। और हम जैसे हमारा ये जो सीरीज है ये खत्म होगा और हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कर लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्नों की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, जिसमें से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जैसे कि फिजिक्स में क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसे कुछ प्रश्नों की सूची दूंगा जिसमें से आप ये 28 से 30 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप पहले से ही आपको पता रहेगा कि आने वाला है और आप उसको टैकल कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जो सिलेबस है, ये जो हमारी रणनीति है, ये जो प्लानिंग है, आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हम साथ में इन टॉपिक्स को अच्छे से कमांड करेंगे, कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी गाइस, उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक्स कौन कौन से हैं और कैसे उनकी रणनीति बनाई जाए, कैसे उनको प्लान किया जाए, ताकि हम 28 के 28 क्वेश्चन सही कर सकें। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।